अभी रिसेंटली मैंने अपने बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक फ्रेंड्स से बात की कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिनकी वजह से उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक आया, तो उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मुझे बताई। तो जो भी कॉमन स्ट्रैटेजी सब ने अप्लाई की वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने मुझे बताया कि जब आपको ऑल इंडिया रैंक आ जाता है कि बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में लोग पास भी नहीं हो पाते आपको ऑल इंडिया रैंक आ रहा है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब जॉब करने जाओगे आपका पे पैकेज उन लोग से अलग रहेगा जिनको ऑल इंडिया रैंक नहीं आया, आपको भी सेम ही ट्रीटमेंट मिलेगा। इट्स ऑल दैट की आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होता है, बट हाँ प्रेस्टीज की बात है आपको ऑल इंडिया रैंक आया। तो आप सोच रहे होंगे मैं आपको इस वीडियो में ऑल इंडिया रैंक के बारे में क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बचपन से मैंने एक ही चीज़ मानी है, एम फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू माइट लैंड अमॉन द स्टार। मतलब हमेशा ज़्यादा को सोचो ताकि अगर आप आस पास तो पहुँच ही जाओ। अगर आपने AIR का एम किया तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पास हो ही सकते हो। मैंने भी यही चीज़ की, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे ऑल इंडिया रैंक की जो स्ट्रैटेजी है वो अप्लाई करके पास हो सकते हो इन फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर ऑल इंडिया रैंक भी आ सकते हो। क्योंकि आपको सिर्फ पास का एम नहीं रखना चाहिए, आपको बड़ा एम रखना चाहिए ताकि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का एम है ना वो डेफिनेटली पूरा तो हो ही जाए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हाय, माय नेम इज़ क्रीना झा एंड आई एम डूइंग माय CS आर्टिकलशिप करेंटली। तो सबसे पहले जो सब ने बताया वो था कि पास ईयर पेपर सॉल्व करना। स्कैनर नहीं बताया किसी ने, बोला कि पास 3 ईयर्स का जो पेपर ICSI के साइड में मिलता है उन्होंने वो सॉल्व किया। क्योंकि स्कैनर में ना कुछ कुछ क्वेश्चन स्टार्ट से देते हैं जो बहुत इजी होते हैं, हमें रीसेंट का जानना होता है, इसलिए सब ने ICSI से डायरेक्टली उन्होंने पास या क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक था कि किसी ने भी 3 मंथ से कम की सेल्फ स्टडी की ही नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग का अगर अभी क्लासेस चल रहा है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सितंबर से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट ही कर दो। लाइक आप एक एक सब्जेक्ट लेकर करो लेकिन चालू कर देना, क्योंकि वो बोले कि आप जितना टाइम सेल्फ स्टडी में डालोगे आपको उतना मदद मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जितना आप क्लासेस में डालो। क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बता दूँ सी अभी 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक जो पूरा क्लासेस पर के टिल सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर नवंबर और दिसंबर सेल्फ स्टडी करेंगे, या फिर जो अक्टूबर तक क्लास देखेंगे और नवंबर में सेल्फ स्टडी करेंगे। तो दोनों के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि सेप्टेम्बर से चालू कर देना पढ़ना। ठीक है, सेप्टेम्बर से डिले मत करना। ठीक है, अक्टूबर में आप पढ़ सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि ईज आउट आपका जर्नी हो जाए तो सेप्टेम्बर में स्टार्ट ही कर दो, थोड़ा बहुत तो रीड करना 1-2 घंटे ताकि अक्टूबर आप फुल फ्रेश पढ़ सको। कंसेप्ट क्लैरिटी एंड कीवर्ड्स, उन सब ने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दिया। रट्टाफिकेशन किसी ने नहीं बोला कि हमने रट्टा, क्योंकि उतना चीज़ आप रट ही नहीं सकते, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। तो सब ने ट्राई किया कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो और वो कीवर्ड्स से लर्न करें। तो आपको भी अभी जब आप रीड कर रहे हो ट्राई करो कि आप कंसेप्ट ही मतलब अच्छे से समझो और कीवर्ड्स मार्क करते जाओ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ था कि प्रायोरिटाइज स्लीप। उन सब ने मुझे एक चीज़ बताई कि हम 6 आवर्स तो मिनिमम सोते ही थे ताकि हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चले। क्यों, क्या होता है, हम 4 घंटे की स्लीप लेते हैं उसके बाद अगर हम ज़्यादा पढ़े भी तो वो प्रोडक्टिव नहीं होता। उससे अच्छा कि आप 6 आवर्स अच्छे से सो जाओ, उसके बाद आप प्रोडक्टिवली बाकी आवर्स पढ़ाई करो। उसके बाद था कि 1 क्वेश्चन डेली। सब ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो किया ही है, वो लोग पास अटैम्प्ट पेपर उठा लेते थे, कुछ भी उठा लेते थे मॉड्यूल का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेली लिखते ही थे क्योंकि उनकी स्पीड इंक्रीज हो गई थी। तो एग्ज़ाम में वो बाकी सब कंपैरिजन में बहुत जल्दी अपना पेपर भी कंप्लीट कर पा रहे थे, तो आपको तो वो चीज़ करनी ही चाहिए। नोट्स, उन सब के पास कोई ना कोई कंसाइज नोट्स था ही, या फिर उन्होंने मॉड्यूल में ही कुछ कीवर्ड्स मार्क कर लिए थे, या फिर जो मैराथन नोट्स फ्री में मिलता है वो उनके पास था, या फिर क्लासेस का नोट्स। सबके पास 1 डे बिफोर के लिए कंसाइज नोट्स ताकि वो रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाए वो था ही। तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कितने सारे क्लासेस फ्री ही रिसोर्स देती है तो वो रखो अपने पास। ICSI का मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उससे डेली रिवीजन नहीं कर सकते, यू नीड अ कंसाइज नोट। तो आप भी अभी से अपने पास एक क्लासेस का नोट्स है तो बेस्ट वही आपका कंसाइज नोट्स हो गया, उसमें कीवर्ड्स मार्क करो एंड आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टैक्स
लिटरली उन्होंने डेली 1 आवर तो किया ही था, क्योंकि टैक्स थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट आप ग्रुप 2 कर रहे हो तो कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 आवर उन्होंने डेली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दिया ही था। थ्योरी तो वो कर ही रहे थे लेकिन प्रैक्टिकल उन्होंने ध्यान है कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, तो अगर आप डेली प्रैक्टिकल ले रहे हो तो आपका मार्क्स बहुत जल्दी इंक्रीज हो सकता है। फोकस पढ़ाई में ज़्यादा था रिजल्ट से ज़्यादा। हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि हम पढ़ाई कंसेप्ट के डेप्थ में जाना तो भूल ही जाते हैं। हम जब पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या सीख रहे हैं। हमें सीखने पे और कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है आपको तो ये 4 महीने, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके अपना कंसेप्ट पे ध्यान दो और ट्राई करो कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कर्म करो, सिर्फ कर्म पे फोकस करना है आपको, फल की चिंता नहीं करनी। फिर लास्टली था कि सब ने ट्राई किया था कि वो मैक्सिमम सिलेबस कवर करें। बहुत कम लोग ने है जो सिलेक्टिव स्टडी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो सब का यही मानना था कि हमें नहीं पता कि कैसे पेपर आएगा, इसलिए उनका फोकस यही रहता था कि वो मैक्सिमम कवरेज कर सके। आज मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमेशा मैक्सिमम कवरेज पे ध्यान दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि शायद वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ICSE कुछ भी ना उसमें से। द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।